महाराज जी ने जल मंगवाया और उस जल को जिस भक्त से मंगवाया उसने खुद प्रयोग कर लिया, ऐसा हुआ ना? अरे हुआ है ऐसा, और एक भक्त का एक अनुभव। मित्रों नमस्कार, मैं आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के चले जाने के बाद जब भक्तों की एक संगोष्ठी होती है, एक नहीं, फोर चर्च लेन है, गुप्त मंदिर दिल्ली है, या रब्बू दादा है, या अमर मेहरोत्रा का घर लखनऊ है, यानी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं भाई, वृंदावन है, कैंची धाम है, नीम करोली, सबको जानते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है किसी भक्त के यहाँ, भक्त रूप जब वहां पर हो जाते ना इकट्ठे, तो चर्चाएं चलती हैं। मैं आपको फिर से ले चल रहा हूं कानपुर और गुरुदत्त शर्मा के यहां। गुरुदत्त शर्मा के यहां भक्त बैठे हुए हैं और उसमें पूरन दादा आए हुए हैं। पूरन दादा से बातचीत होती है और गुरुदत्त तो भाई महाराज जी का सानिध्य पाए हैं, और इतना सानिध्य पाए हैं जो बरसों बरस उनकी सेवा में रहे हैं। अपने अपने अनुभव जब सब शेयर करते हैं, जगन्नाथ शुक्ला जी जिसने मैंने आपको मिलवाया था अजीत कुमार शुक्ला एडवोकेट से, उनके पिताजी, पूरन दास से पूछते हैं, दादा एक बात बताओ, जब महाराज जी ने एक बार आपसे पानी मंगवाया था और वो पानी आपने प्रयोग कर लिया था, तो आप ये समझ लीजिए कि पुरंदा की हंसी छूट जाती है। होता क्या है जो बताया कि जब पुरंदा महाराज जी की सेवा में है और नैनीताल गए हुए हैं, अपनी वो कहानी है वो यूं बताते कि मैं महाराज जी के साथ था उस दिन, और बड़ी ठंड थी। ठंड वो चाहे सर्दी सर्दी का, गर्मी का, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन किस महाराज जी का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता था कि सब पोस्टपोन कर दिया जाए, मौसम नहीं रोक सकता उन्हें। और सच में अगर आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो मौसम अपनी जगह चले और आप अपनी जगह चले। तो भैया महाराज जी का भ्रमण कार्यक्रम नैनीताल में चल रहा है, पुरंदा साथ में है, और प्रातः का वक्त है, सर्दी कड़ाके की है, और महाराज जी मालूम भक्त से क्या कहते हैं, लस्सी बनवा के ला। अरे लस्सी और सर्दी, खैर महाराज जी का आदेश हुआ, भक्त ने बड़ा सा गिलास, पहले बड़े बड़े पीतल के गिलास चलते थे है ना, तांबे के गिलास चलते थे, अब तो स्टील का जमाना है, खैर जो भी है, एक अच्छे से बड़े से गिलास में जिसमें डिजाइनदार था, वो गिलास भर के लस्सी आती है, महाराज जी को दी जाती है। महाराज जी थोड़ा सा एक दो तो घूंट पीते हैं और हमको थमा देते हैं, हमको मीन्स पुरंदा को थमा देते हैं। पुरंदा कहते हैं कि हम वो लस्सी पीते हैं, मजबूरी है, क्योंकि ऐसी ठंड में कतई इच्छा नहीं थी कि हम लस्सी पिए। पी ली भाई लस्सी, वहां से चलते हैं दूसरे भक्त के यहां आते हैं, महाराज जी कहते हैं नमकीन लस्सी बना के ला। अब हमें मन में ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी फिर पिए और कह दें पी ले, एक बार तो मुश्किल से बेमन लस्सी पिए, दोबारा फिर हुआ वही जिसका डर था। लस्सी आई, महाराज जी ने थोड़ी सी लगाई, एक दो घूंट पी और पूरन पी ले। अब महाराज जी का आदेश है तो पूरन टाल नहीं सकते ना, जैसे ही उन्होंने कहा हमने लस्सी पी ली। लस्सी पीने के बाद चल पड़े मंदिर की तरफ हनुमानगढ़ी। सिपाही धारा में इन भक्तों, सिपाही धारा एक जगह है नैनीताल में, वहां पर ये सब घटनाक्रम हो रहा है। इसके बाद सिपाही धारा से हनुमानगढ़ी की तरफ आते हैं। एक बैरीमेट सा है, यानी एक पगदौरिया जिसे हिंदी में कहें, या छोटी सी दीवाल टाइप है, उस पर महाराज जी बैठ जाते हैं सड़क के किनारे। एक नल है वहां पर, कहते हैं जा पानी ले।
और वो पानी लेने के लिए चल गई। अरे जल्दी लाना, सोच जाना है। तो पूर्णदा बताते हैं कि हम जल्दी जल्दी चलते हैं और पानी लेते हैं। और इधर ज्यों ज्यों हमने पानी लिया लोटे में, और त्यों त्यों मेरे हाथ पेट में गड़बड़ होने लगी। अब पानी लिया और पानी लेके अब हम सुदबुद भूल गए। देखो एक बात बताएं आपको, पेट जब गड़बड़ करता है ना तो फिर कुछ याद नहीं रहता आदमी को, चला जाता है कहाँ जहां जाना चाहिए। और पुरंदा लोटा लेके बैठ गए। पुरंदा सोच से निवृत्त होते हैं। पुरंदा बीमार थे, एक बात विशेष ये बताना एक तरह से मैं भूल गया, और कमजोर हो गए थे, बहुत परेशान थे। तो पुरंदा कहते हैं हम बहुत परेशान थे कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो हमने देखा कि हमारे पेट से कैचुआ निकला है मल के साथ। और वो कैचुआ निकला, निकलते ही हम अपने आप को एकदम रिलीफ महसूस करने लगे, निवृत्त हुए। महाराज जी के समक्ष जैसे ही पहुंचे, महाराज जी हंसने लगे और ठठाका मार के हंसते हैं। पूछते हैं, पुरन क्या हाल है? और अब हमारे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पानी तो महाराज जी ने मंगाया था और प्रयोग हमने कर लिया था। वहां से चल पड़ते हैं। तो एक ऐसी लीला थी या भक्त पे कृपा की बात थी, जहां महाराज जी को उन्हें स्वस्थ करना था। और दवा देख लीजिए, मीठी लस्सी पिलाई, नमकीन लस्सी पिलाई, है ना। वृंदा कहते हैं हम बिल्कुल मस्त हो गए उस दिन से। तो मित्रों आप भी मस्त रहिएगा, चल पड़े।